सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अगर आपने पैट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 2023 के लिए आपको कम से कम आपका परसेंटेज एवरेज 80+ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। सभी को मालूम है डेट और आपको यहाँ पर टाइम भी आपको बता दिया जाएगा। कभी भी कोई भी अपडेट आता ज़रूर से शेयर करेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अपडेट आएगा तो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले अपना सिलेबस के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से आपसे क्वेश्चन और आपके प्रश्न आने वाले हैं और यहाँ पर मार्क्स कितना रहेगा। तो देखिए, इंडियन हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 5 और नंबर भी आपको 5 ही मिलेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। वीडियो दोनों वॉच कर लें, अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी आपका सेम यही क्राइटेरिया रहेगा, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री अरिथमेटिक, हिंदी और आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग। और आपका यहाँ पर देखिए, ये सारे जो सब्जेक्ट मैं बता चुकी हूँ, ये आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे हर एक सब्जेक्ट से और 5 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है और 5 क्वेश्चन होंगे आपके 5 मार्क्स के। ठीक है, इस तरीके से क्राइटेरिया रहेगा। और आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सब्जेक्ट से आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा, जैसे कि आपका करंट अफेयर है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें, तो आपका यहाँ पर 10 मार्क्स का रहेगा, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। जनरल अवेयरनेस से भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। एनालिसिस ऑफ 2 अनरीड पैसेज आपसे पूछेंगे, जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे। ग्राफ होगा, टेबल इंटरप्रिटेशन आपसे यहाँ पर एनालिसिस पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके यहाँ पर 10-10 मार्क्स के कुछ सब्जेक्ट से आपका यहाँ पर एग्ज़ाम में आने वाला है। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 आपके मार्क्स रहेंगे, 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप पॉजिटिव रहें और अच्छे तरीके से स्टडी करते रहें। कम से कम 4 से 5 घंटा तो आपको स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम आप अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि आपका यहाँ पर करंट अफेयर है, ज़्यादा पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद में आपका यहाँ पर अनरीड पैसेज है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपने कभी भी एग्ज़ाम दिए होंगे आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, तो उसमें हमेशा से आपको अनरीड पैसेज करने के लिए दिए जाते हैं। तो चाहे तो आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पुरानी जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप ग्रामर की अदर कोई बुक ले करके उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स का रहेगा, तो ग्राफ भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाएँ। आपका टेबल इंटरप्रिटेशन भी आपको आना चाहिए, एनालिसिस करना। तो ये जो सब्जेक्ट हैं आपके करंट अफेयर से लेकर के, अवेयरनेस से लेकर के, ये सारे, तो ये ज़रा थोड़े से अच्छी तरीके से आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग भी आप अच्छी तरीके से पढ़ें फ्रेंड्स। लॉजिकल रीजनिंग भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट गलत कर लेते हैं। और लॉजिक सिर्फ इतना है कि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं होता है, रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रीजनिंग में हमेशा प्रैक्टिस से ही काम चलेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अच्छे तरीके से आप रीड करें, इंग्लिश को भी जो बच्चे वीक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जनरल साइंस पढ़ लीजिए, 5 क्वेश्चन का आता है, जनरल बहुत ही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, तो उनसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल का इसमें नहीं पूछा जाता, आपके बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे जो कि जनरल साइंस से होते हैं। कोई भी ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से अच्छे तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका है हिस्ट्री, ये काफ़ी ज़्यादा सिलेबस वाला सब्जेक्ट है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाते। ठीक है, हालांकि ये 5 ही नंबर का आपका आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, हिस्ट्री आपके आगे चल के भी काम आने वाली है। इकोनॉमी है, अच्छे से स्टडी करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनको अच्छे से केयरफुली आप रीड आउट करते रहें और अच्छे तरीके से अपना तैयारी और प्रिपरेशन करते रहें फ्रेंड्स। अभी ऑनलाइन कोचिंग काफ़ी सारी हैं, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए कोई भी अपना जो आपके मन पसंद हो, तो उनसे भी आप रेगुलर स्टडी करें और कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ने की कोशिश करें। अगर ये मैक्सिमम है, अगर आप इतना नहीं कर पाते तो 4 से 5 घंटा ज़रूर डेली आप टाइम निकाल करके पढ़ें, अगर आप 1 टाइम अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो।
देखिए काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है, स्टूडेंट काफ़ी पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो न्यूली आते हैं वो फ्रेशर होते हैं बहुत ज़्यादा, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कम से कम उन्होंने 3 बार एग्ज़ाम दिया हो पर उनका नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या होता है ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो इन बच्चों के कंपेरिजन में इन बच्चों का सिलेक्शन जल्दी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अभी के लिए इतना ही। एडमिट कार्ड आएंगे तो ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।